मैं आपकी समस्याओं को समझने के लिए यहाँ आई, आपके दुख को समझने के लिए यहाँ आई। यहाँ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, मैं नीचे जाके आपके नाव भी देखूंगी। पिछले साल जब गंगा यात्रा में मैं गई थी तो आप मेरे साथ थे और इन्होंने मुझे सब बताया कि किस तरह से पहले आपको पट्टे मिलते थे, आपका अधिकार होता था उन पर और आपको कुछ चीजों की छूट, और इसलिए छूट थी क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो समझती थी कि आपके अधिकार क्या है। जो बड़े बड़े ठेकेदार हैं उनका जीवन तो नदी से जुड़ा नहीं होता, जंगलों से जुड़ा नहीं होता, तो जब वो काम करते हैं तो व्यापार करते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता कि अगर नदी की हानि हो रही है या जानवरों की हानि हो रही है या जंगलों की हानि हो रही है। ये समझ आप में है, आप में समझ ये है क्योंकि मुश्किलों से आप ये काम कर रहे हैं और इसी काम पर आपका जीवन निर्भर है। जो कानून गंगा नदी पे लागू हो रहा है वो कानून आपकी भलाई के लिए नहीं है, नदी की भलाई के लिए नहीं है, वो कानून इसलिए लागू किए जा रहे हैं ताकि उनसे उद्योगपतियों के का भलाई हो। और आपकी नाव तोड़ी है और आपको पीटा और आपके बच्चों को मारा, इस मुद्दे को हम उठाएंगे, पूरी तरह से आपकी लड़ाई लड़ेंगे। और बार बार मैं ये कहती हूँ, जो नेता है जब वो भूल जाता है कि उसको सत्ता किसने दी है तब वो भटकने लगता है। इनको समझ में नहीं आया है कि बनाने वाले आप हैं, आपने इनको सत्ता दी, इनको आपके लिए काम करना चाहिए, आपको प्राथमिकता देनी चाहिए, आपकी जो समस्याएं उनको समझ के उनको सुलझाना चाहिए।